चलिए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन बताइए। जी सर, सर मेरा नाम एस जी रियाजुल है और मैं उड़ीसा केंद्रापाड़े से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है और अभी फिलहाल रिसेंटली निपोस्ट का भी एग्जाम दिया सर। अच्छा, जी सर। आप फ्रेशर हैं? जी सर, जी सर। ओके, चलिए ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन होगा वो फ्रेशर के ही कैटेगरी का होगा, है ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है। तो जैसे जी सर। कि आपने बीटेक किया है मैकेनिकल से, जी सर। बाद डिप्लोमा किया है आपने फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और साथ ही साथ ने वो आईजीसी का आपने एग्जाम दे दिया है ना, वेटिंग जी फॉर सर, दे एग्जाम। दिया। चलिए, बहुत यस। बढ़िया। अच्छा, तो ये देखिए, ये आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा, है ना? जी सर। इस इंटरव्यू के बेस पे मैं ये बता दूं, और जो भी व्यूअर होंगे उनको मैं बता दूं, ये केवल एक मॉक इंटरव्यू है और इस चैनल के द्वारा, इस इंटरव्यू के द्वारा किसी तरह का कोई जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, जी सर। तो ये बताना जरूरी होता है। जी सर। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, क्वेश्चन में आपसे कुछ करना चाहूँगा। चलिए, जी सर। सबसे पहले आप बताइए क्लास ऑफ फायर क्या होता है? सर क्लास ऑफ फायर ब्रिटिश स्टैंडर्ड में बताया जाता है सर, फाइव टाइप का होता है सर। कौन कौन सा? सॉरी सर, सिक्स टाइप का होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। और सर क्लास ए जो होता है इन्वॉल्व होता है जैसे सॉलिड लाइक पेपर वुड वगैरह से, और क्लास डी जो होता है फ्लेमेबल लिक्विड्स वगैरह, क्लास सी हुआ इन्वॉल्व जो फ्लेमेबल गैसेस हो गया, क्लास डी मेटल्स हो गया इन फायर मेटल्स, क्लास ई जो है सर इलेक्ट्रिकल है, क्लास जो है सर कुकिंग ऑयल एंड फैट जिससे होता है सर, एक क्लासिक है सर फायर का। अच्छा, जी सर। क्लास एफ में आपने क्या बताया? क्लास एफ में कुकिंग ऑयल सर, कुकिंग ऑयल एंड फैट। अच्छा, ठीक है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, जी सर। इच फायर एक्सटिंग्यूशर का आप कलर कोड बता सकते हैं? जी जितने भी सर। फायर एक्सटिंग्यूशर, पहले आप ये बताइए कि फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है वो कितने टाइप का होता है? सर फायर एक्सटिंग्यूशर फाइव टाइप का होता है, कौन कौन सा? जैसे सर वाटर फायर एक्सटिंग्यूशर, फोन फायर एक्सटिंग्यूशर, एबीसी ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर, सीओ2 गैस फायर एक्सटिंग्यूशर, और सर आखिर में है विक केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर। तो अब आप ये बताइए, जितने भी आपने फायर एक्सटिंग्यूशर का नाम बताया, जी सर। इसका कलर कोड क्या होता है? कलर कोड समझते हैं ना? जी जी सर, जो सर उसमें मेंशन होता है किसका है, कौन से कलर पे, कौन सा जो एक्सटिंग्यूशर। लेवल लेवल लगा होता है कलर का, यस सर। और उसी कलर पे उस एक्सटिंग्यूशर का नाम लिखा होता है, उसमें जो भी एजेंट होता है उसका नाम लिखा होता है। जी जी सर, बिल्कुल सर। वाटर का जो होता है सर रेड होता है, और फोम का जो होता है सर क्रीम होता है, ठीक है, और ड्राई पाउडर का सर जो होता है वो ब्लू होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है उसका सर ब्लैक होता है, और वेट केमिकल का येलो होता है सर। वेट केमिकल का येलो होता है, यस सर, यस सर। ठीक है। चलिए, बढ़िया है। जी सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एलिमेंट, फायर के एलिमेंट बताइए, कितने एलिमेंट से मिलके फायर बना होता है? सर कितने एलिमेंट से होके फायर बना होता है? कितने एलिमेंट से फायर बनता है? सर तीन एलिमेंट कौन कौन सा? सर कूलिंग, स्पोटरिंग और स्टार्विंग होता है सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फायर एलिमेंट क्या होता है, फायर के कितने एलिमेंट होते हैं? ओके ओके सर, फायर के तीन एलिमेंट होते हैं सर, कौन कौन से? ऑक्सीजन, ऑयल और हीट।
ठीक है, ये बोलिए जी पहले ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चन किया जाता है उस क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करिए, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है। जैसे आपसे मैंने फायर का एलिमेंट पूछा, जी आप उसका आंसर दूसरा देने लगे, तो इस चीज को पहले थोड़ा सुधारना पड़ेगा, है ना। ओके सर। चलिए उसके बाद आप बताइए, चलिए ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है। सर ट्रांसमिशन ऑफ हीट सर वो भी 3 तरीके से होता है सर, लाइक कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन से होता है सर। जी सर। फायर को बुझाने का 3 तरीका बताइए, क्या क्या तरीका, किन किन तरीकों से हम लोग उसे बुझा सकते हैं। सर जो मैं बोला था, कूलिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्टर्बिंग हो गया, इस हाँ, ठीक है, तरीके वो से सर। चीज़ आप बता सकते हैं इसमें, बढ़िया है। जी सर। असेंबली चलिए अच्छा ये बताइए, असेंबली पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जो होता है टेम्पररी क्लैडिंग एरिया होता है, जिससे वेयर इट कैन बी इमीडिएट डिटरमाइंड एवरीवन इज आउट फॉर बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग। जी सर। उसका सर डेफिनेशन में कुछ याद था सर, यही है। अगर इसको आप अपने तरीके से समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे, असेंबली पॉइंट को कैसे आप डेमोंस्ट्रेट करेंगे। तरीके से सर अगर समझाना चाहेंगे तो सर, एक फायर असेंबली पॉइंट जो होता है, एक टेम्पररी क्लियरिंग एरिया होता है, जिससे डिटरमाइंड हो के जो लोग हैं आउट हैं बिल्डिंग से। चलिए इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, असेंबली पॉइंट का। सर इसका प्रयोग सर अगर कहीं फायर का कुछ ये होता है, कहीं आउटडोर एक्टिविटीज में फायर लग जाता है, तो तब सर उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डीपली आप देख लीजिएगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मेथड ऑफ पास टेक्निक, पास टेक्निक क्या होता जी सर। पास टेक्निक होता है सर, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। है। जी सर। पूरा क्लियर नहीं बता पाए इसको। जी सर, जैसे पुल करना है, एक्सटिंग्विशर का पिन का एम करना है, और फिर स्क्यूज करना है, और फिर स्वीप करना है जो फायर पे। पी के बाद जो ए है उसका मतलब क्या होता है। सर उसका मतलब एम होता है, जो मैंने एम जो अपना है सर, जहाँ पे ये करना होता है। जी सर। पहला और जो पहला एस है उसका मतलब। एस है जो सर वो एक्सक्यूज है। जी ठीक है, और जो लास्ट एस है स्वीप, स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड से सर। स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। पहला पी फोर पुल द पिन। जी पी फॉर पुल द पिन, एम एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द ऑपरेटिंग हैंडल, स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। जी ठीक है, तो ये हम लोग कब करते हैं। सर फायर लगता है सर। फायर लगता है तो एक्सटिंग्यूशर को चलाने के लिए, है ना, हम लोग जी सर। इस मेथड का यूज करते हैं, पास टेक्निक का। ठीक जी है, सर। AFFF क्या होता है। सर AFFF का फुल फॉर्म होता है सर, एक्यूएस फिल्म फॉर्मिंग और फोम। जी एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम होता है। ठीक है, सर। ये कौन से फायर एक्सटिंग्यूशर में रहता है पता है। सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, वो जी सर। तो फोम फोम, किसके होते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर में। बस ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ओके सर। ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता ओके सर। है ना। जी सर।
चलिए अच्छा ये बताइए, जो आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसका प्रयोग हम लोग कौन से क्लास ऑफ फायर पे करते हैं? सर फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है सर वो लाइक क्लास बी में करते हैं सर। क्लास बी पे फ्लेमेबल लिक्विड। जी सर। ठीक है ओके। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग? सर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर जो है वो ओल्ड पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मटेरियल हो गया, उस पे सर यूज करते हैं। ठीक है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सर वेट केमिकल जो है वो कुकिंग जो ऑयल होता है, फैट होता है, ऑलिव ऑयल एंड बटर वगैरह पे यूज करते हैं सर। ठीक। अच्छा अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग लगता है तो उसमें हम लोग कौन सा एक्सटिंग्यूशर का यूज करेंगे? और उस पे CO2 गैस, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का। ठीक है। इसका कलर कोड क्या होता है CO2 का? CO2 का सर ब्लैक होता है। चलिए ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, आप हजार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क? जी सर। सर हजार जो है जिससे समथिंग हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, जिससे हमको हार्म हो सकता है उसे हजार्ड कहते हैं। और सर रिस्क जो होता है लाइवलीहुड है और सेवेरिटी के होता है मेजरमेंट से जिसे रिस्क निकाला जाता है सर। जी सर। चलिए बढ़िया। अच्छा इसका कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं? जी सर। हजार्ड और रिस्क का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो हजार्ड और रिस्क दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करे। जैसे सर नाइफ हो गया, छुरी जो होता है, चाकू, वो एक हजार्ड है। सर अगर कट जाना वो एक रिस्क है। जी सर। ठीक है। और सर इसी तरह के सर जितने भी कुछ होते हैं जैसे नोक वाले चीज हो गए जिसमें साइड पे जैसे सर हो गया एज ऑफ एक्सकवेशन जिसमें सर वो एक हजार्ड है, अगर सर उससे गिरने का चांस है तो सर वो रिस्क है। जी सर। ठीक है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या डिफरेंस है? सर एक्सीडेंट जो है अनप्लान्ड अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसका एंड ऑफ रिजल्ट होता है पर्सनल इंजरी और फिजिकल इंजरी और डेथ होता है। और इंसिडेंट जो होता है वो भी अनप्लान्ड अन इवेंट होता है लेकिन सर उसका एंड ऑफ रिजल्ट प्रॉपर्टी डैमेज होता है सर। जी सर। ठीक है। अच्छा नियर मिस क्या होता है? सर नियर मिस एक अनडिजायरेबल इवेंट है, उसका पोटेंशियल होता है कॉज मतलब हार्म करने का बट नहीं होता है। जिससे बाल बाल सर जो बच जाते हैं जिसे जिसे कहते हैं उसको सर कहते हैं नियर मिस। ओके। अच्छा हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में? जी जी सर। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जो होता है 5 तरीके का होता है। पहला सर होता है एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पांचवा आखिरी जो होता है वो है पीपीई। लास्ट में हम लोग पीपीई का यूज करते हैं। लास्ट में पीपीई का यूज करते हैं सर। ठीक। अच्छा रिस्क असेसमेंट क्या होता है और रिस्क असेसमेंट बनाने का स्टेप क्या होता है ये बताइए? सर रिस्क असेसमेंट बनाने का 5 स्टेप होता है। कौन कौन सा? सर जैसे पहले आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। पहले आप बताइए रिस्क असेसमेंट होता क्या है? सर रिस्क असेसमेंट लाइवलीहुड और सर्विटी जो होता है जो एक्सीडेंट वगैरह जो भी होता है उसका 3 दिन का प्रॉपर निकाल के वेन आवर टाइम उसको ये करके जो करते हैं सर उसको रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है। ये किसके किया जाता है? जी सर। रिस्क असेसमेंट हम लोग किस लिए करते हैं? क्योंकि सर किसी भी चीज का उसका ये जानने के लिए कि उस पे रिस्क कितना है। इसलिए सर।
ठीक है, उसमें क्या क्या हजार्ड है? हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग करते हैं, क्या हमें कंट्रोल मेजर वहाँ लगाना है, ये सारा चीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टेप बताइए रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट का सर स्टेप बताइए, रिस्क असेसमेंट हम लोग कैसे करेंगे? सर पहले आइडेंटिफाई हजार्ड, डिसाइड हुम इंजर्ड एंड हाउ, तीसरे में आएगा इवैल्यूएशन द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, और नंबर चार में आएगा जितना भी सिग्निफिकेंट फाइंड किए हुए हैं, और नंबर फाइव में आता है जो अपडेट करना होता है इफ नेसेसरी, जो सर असेसमेंट वगैरह जो भी हम लोग ये करते हैं उसको अपडेट करना होता है सर। लास्ट में हम लोग उसको रिव्यू करते हैं और अगर जरूरत होता है तो उसे अपडेट करते हैं। जी जी सर, रिव्यू एंड अपडेट। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आप बताइए। जी सर, जेएसए क्या होता है? जेएसए सर जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है सर। क्या होता है ये तो आपने फुल फॉर्म बताया, लेकिन जेएसए होता क्या है ये बताइए। जॉब सेफ्टी एनालिसिस सर होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एनालिस करते हैं कैसे वर्क सेफली मैनरली हो, तो सर वो जेएसए बोलते हैं सर। इसके बारे में आप थोड़ा नॉलेज ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। जी जी सर, बेहतर तरीके से। वर्क एट हाइट क्या होता है सर? वर्क एट हाइट एनी वर्क फ्रॉम ग्राउंड अबव 1.8 मीटर इज कॉल्ड बाय वर्क एट हाइट। कोई भी वर्क 1.8 मीटर के ऊपर हो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है सर। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा अभी तक, ये सारे फ्रेशर के कैटेगरी के क्वेश्चन है ना? जी जी, एक फ्रेशर कैंडिडेट से इस तरह के क्वेश्चन किया जाता है ना? अगर वही आप एक्सपीरियंस होते तो यह क्वेश्चन का मोड थोड़ा कैटेगरी चेंज हो जाता है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, नेक्स्ट आप बताइए, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? सर कन्फाइंड स्पेस लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वन एंट्री और वन एग्जिट पॉइंट है, सेम एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। अच्छा, वर्क एट हाइट से संबंधित कुछ हजार्ड बताइए, खतरा। जी सर, वर्क एट हाइट से सर हजार्ड फॉलिंग फ्रॉम हाइट हो सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल और इक्विपमेंट हो सकता है सर, पुअरली मेंटेन्ड एक्सेस और क्रिटिकल डिस्टेंस रूट और अनप्रोटेक्टेड एजेस और सर वेदर। वेदर ठीक है जी सर। चलिए, इतना बहुत है। प्रिकॉशन आप क्या देंगे वर्क एट हाइट के लिए? सर वर्क एट हाइट के लिए सबसे पहला प्रिकॉशन सर परमिट होना चाहिए, वर्क परमिट। लेकिन सर वेयर फुल बॉडी हार्नेस, टूल रेडी आए, और 100% टाई ऑफ होना चाहिए, और सर गार्डरेल एंड टोबोर्ड होना चाहिए, और सर वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्पेक्ट होना चाहिए और टैग होना चाहिए, और सर टूल लैनियर्ड भी होना चाहिए टूल्स के लिए, और सर होता है ना बगैर जरूरत का सर अनवांटेड कोई मटेरियल हाइट पे ना रखना चाहिए, उसको स्टैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनवांटेड मटेरियल सर जो है। जी सर, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बताया आप। चलिए, नेक्स्ट आप बताइए, कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड हजार्ड बताइए। सर कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड हजार्ड सर जो पहला हजार्ड होता है जो उसके अंदर फ्लेमेबल गैसेस, टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेस, और सर लैक ऑफ ऑक्सीजन, इल्यूमिनेशन, यस सर, और लो विजिबिलिटी। ठीक है जी सर, और कुछ बता सकते हैं इसमें? जी सर, और फायर हो सकता है सर उसके अंदर, अगर एक्टिविटी होता है तो सर फायर हो सकता है।
ये बताइए, कन्फाइंड स्पेस के लिए आप प्रिकॉशन क्या देंगे? सर सबसे पहले वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के लिए, और सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बीन आइसोलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और इल्यूमिनेशन होना चाहिए, और वेंटिलेशन अगर यूज कर रहे हैं ब्लोअर और गैस टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। और सर वो जो टॉक्सिक गैसेस होता है उसको सर जो उसको पहले चेकआउट करना चाहिए सर। ठीक है। और सर जो होता है ना मुझे लगता है लाइट जो 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सर प्रॉपर उसका एक्सेस एंड इग्रेस होना चाहिए। और सर रेस्क्यू प्लान भी होना चाहिए, जैसे स्काबा हो गया, फास्ट एड किट हो गया, क्रेन हो गया, इस टाइप का होना चाहिए सर रेस्क्यू इमरजेंसी प्लान। और सर एक होल वॉकर वहाँ होना चाहिए। जी जी सर। ठीक है। और सर अटेंडर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए अपने लॉग बुक के साथ और फायर एक्सटिंग्विशर के साथ। जी सर। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल जो कन्फाइंड स्पेस में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? सर ऑक्सीजन 19.5% से लेके 23.5% तक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक्सकैवेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सकैवेशन क्या होता है? एक्सकैवेशन जो होता है सर एक मैन मेड कट होता है जो ओपन सरफेस करता है, जिससे ओपन सरफेस होता है डिप्रेशन होके, तो उसको सर एक्सकैवेशन कहते हैं। सर दो तरीके का एक्सकैवेशन होता है, एक मैनुअल एक्सकैवेशन और एक मैकेनिकल एक्सकैवेशन। और मैनुअल एक्सकैवेशन सर वो होता है जो अर्थ रिमूव करता है बाय पर्शन, और मैकेनिकल एक्सकैवेशन सर वो होता है जो यूजिंग करते हैं एक्सकैवेटर हो गया, जेसीबी हो गया। जी सर। ठीक है। तो एक्सकैवेशन से रिलेटेड हजार कुछ बताइए। सर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हो सकता है, कोलैप्स ऑफ एक्सकैवेशन हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस हो सकता है। सर सबसे ज्यादा रिस्क होता है केविंग का, कोलैप्स वो हो सकता है, फॉल एक्शन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, टूल्स हो सकता है। और सर फॉलिंग ऑफ रिमूव सॉइल जो होता है अगर वो एज में रखते हैं वो भी गिर सकता है। और सर वाटर एक्यूमिनेशन हो सकता है। जी सर। और अगर इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस भी हो तो वो एक हजार्ड है, क्लोडिंग हो सकता है। ठीक है। अगर 1.2 मीटर से ज्यादा गड्ढा हो तो फिर कन्फाइंड स्पेस पे जा सकता है सर। फॉलिंग ऑफ एकाइल हो सकता है। ठीक है। प्रिकॉशन बताइए। प्रिकॉशन सर अंडरग्राउंड यूटिलिटी जो है उसको स्कैनिंग करेंगे सबसे फर्स्ट, तो होना ही चाहिए सर। और सर ड्रॉइंग और सरफेस मार्किंग होना चाहिए अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का, क्योंकि आसपास से सर अगर कुछ ऑयल एंड इसका पाइप वगैरह है तो सर उसका प्रॉपर एक्सपे करना चाहिए, स्कैनिंग करना चाहिए सर। और सर एक्सकवेशन का स्लोपिंग और बेंचिंग करना चाहिए, सील्डिंग और सोरिंग करना चाहिए, गैस टेस्टिंग करना चाहिए, और हार्ड बैरिकेड एंड साइनेज बोर्ड होना चाहिए। अगर एक्सकवेशन रोड साइड में हो रहा है उसका अल्टरनेट एक्सेस होना चाहिए सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, और आज आपका इंटरव्यू बस इतना ही। और ऐसा करते हैं अगर नेक्स्ट टाइम आप अपने नॉलेज लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाइए और भी टॉप क्लास के क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन जो भी मैंने किया ये फ्रेशर के कैटेगरी का था। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया मैं फ्रेशर हूँ तो ये एज ए फ्रेशर ही ये सब क्वेश्चन किया जाता है। जब कभी आप किसी कंपनी के लिए सीवी फॉरवर्ड करेंगे तो एज ए फ्रेशर आपसे लगभग मैंने जितना भी आपसे क्वेश्चन किया लगभग 70% क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ।
बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से तैयारी करिए, है ना। और बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा नेक्स्ट टाइम, है ना। जी सर। तो चलिए, अब इस चैनल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ये सही वे है कि नहीं? सर आपका चैनल बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, जिससे जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी जो भी सेफ्टी का क्लास वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं आपसे, लाइक मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, जिसको जिसको जिनको हेजिटेशन होता है इंटरव्यू फेस करने से, लोग आपसे इंटरव्यू देके थोड़ा वो भी कॉन्फिडेंस में आके सर इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। जी सर, और आपके सर चैनल बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं और मुझे सर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और थैंक यू सर। जो नए लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर नए लोग जो भी हैं मैं सर उनसे यही कहना चाहूंगा, आप लोग इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू यहाँ पे सर से लीजिए और इंटरव्यू फेस कीजिए, इंटरव्यू अगर फेस करेंगे तो आप आगे असल जो इंटरव्यू होगा कंपनी पे वहाँ आप बैठ सकते हैं, वो हेजिटेशन दूर हो सकता है। और सर जितना अच्छे से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितना बेहतर से जितना आराम से पूछ रहे हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा सर। और मैं यही कहूंगा जितने भी स्टूडेंट सर आपके व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं वो आपका चैनल व्यू चैनल के थ्रू आपसे मॉक इंटरव्यू करें और आगे लोग भी बढ़े सर। चलिए, आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। चलिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर जुड़ते हैं एक नए सेशन में। ओके सर। सेशन में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच काजोल जी। ओके, थैंक यू सर।